धर्म जी, काफी तेज बहाव यहाँ दिख रहा है जी। बिल्कुल काफी तेज बहाव है और घंटा दो घंटा में यहाँ रोड जो अभी है आप लोग यहाँ नहीं रह पाइएगा, नहीं रह पाइएगा। रोड के बाद यहाँ जो है क्या होगा, यहाँ तो लोगों को रोकना भी पड़ेगा किस रास्ते का। बिल्कुल खतरनाक होगा, आवागमन खतरनाक होगा यहाँ पर, क्योंकि हम देख रहे हैं खड़ा होना भी यहाँ मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल हो रहा है। ये तस्वीर है दरियापुर खुटहा सड़क मार्ग की, और यहाँ पर हम लोग जो खड़े हैं, इस जगह का क्या नाम है? इस जगह का नाम दरियापुरी है। दरियापुरी है। तो आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, आइए आगे आपको लिए चलते हैं और भी तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरह से बाढ़ का कहर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये यही घर हुआ आपका? हाँ, यही घर मेरा हुआ सर। पूरा मतलब तो पूरा एकदम अंदर देखिए, पानी हिल गया और जा ही रहा है। क्या स्थिति है बाढ़ का? बाढ़ तो पूरा है, पूरा है। कहाँ घर हुआ आपका? शहजादपुर। तो क्या स्थिति है उधर? उधर भी पानी है सर, पूरा पानी, पूरा पानी। आपका क्या नाम बोलते हैं? हाँ, क्या नाम हुआ? मेरा नाम अशोक सिंह है, लाल दियारा मेरा घर है। अभी दरियापुर आए हैं, बहुत मुश्किल से आए हैं। जिस ढंग से ये देख रहे हैं ना, इसी ढंग से यहाँ तक लाल दिया तक का यही स्थिति है। रोड टोटल समाप्त है, हम लोगों को आने जाने का कोई साधन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। और हमारे सरकारी तंत्र के द्वारा कहीं कोई हेल्प नहीं है, कोई निरीक्षण करने के लिए भी नहीं आए, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आए। और स्थिति होगा नहीं, गांव का जो नागरिक है, ये खुटा से दरियापुर आने वाला, या रोड टूट गया है, यात्री सब आने जाने के लिए व्यस्त है, औरत बानी जितना भी है गांव में सब परेशान है, जाने के लिए कोई रास्ता नहीं हो रहा है, न लाव का साधन है, न सरकार कोई देख रहा है। आप बोलिए, जाने के लिए जाने दी, चल चल। तो काफ़ी स्थिति जो है वो भयावह है, बाढ़ का लगातार जो जल स्तर है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। लाल दीरा जाना हम लोग को है, चल वो घर की। हाँ हाँ, चलो भाई, देखो बोल दो। हाँ, ये चीज कुछ कुछ। हाँ जी मनोज भाई, इनका तो गया बेचारे मनोज जी, तो हैं कहाँ, की करती अपन हाथ किया।